आपने तो मैथ में पढ़ा ही होगा, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड दें तो हमें अनडिफाइंड मिलता है। पर अभी आपने कभी सोचा है हमें अनडिफाइंड क्यों मिलता है? इस वीडियो में मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। अभी तक से आपको यह पता है अगर हम किसी नंबर एक्स को 0 से डिवाइड दो तो हमें अनडिफाइंड मिलता है, पर ऐसा हमें क्यों मिलता है? तो हम ये प्रूव करेंगे। तो अगर प्रूव करने के लिए हमें पहले लेट करना पड़ेगा, लेट एक्स इज इक्वल टू वाई। जब हम इसे लेट करेंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू सेम होगा। अगर x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू भी 2 होगा। अगर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को x से, इससे हमारा इक्वेशन में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, दोनों टाइप दोनों तरफ सेम होगा। इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ सेपरेट करेंगे वाई स्क्वायर। हम दोनों तरफ सेपरेट इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे। अगर हम दोनों तरफ एक ही वैल्यू से सेपरेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन बैलेंस रहेगा। तो हम इससे वाई स्क्वायर को सेपरेट करेंगे दोनों साइड में, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें पता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वेशन में है ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होगा। अभी हमें हमारा इक्वेशन मिल जाता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इजकल टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम वाई को राइट हैंड साइड तरफ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इजकल टू वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। इसके बाद हम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और जो x माइनस वाई राइट हैंड तरफ है उसको लेफ्ट हैंड तरफ डिवाइड में ब्रैकेट में बट्टा के नीचे लेंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई। तो हमें यहाँ पे x माइनस वाई कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है x इजकल टू वाई, तो हम x की जगह y भी कर सकते हैं। जैसे 3 माइनस थ्री जीरो होता है उसी तरह x माइनस वाई जीरो होगा क्योंकि दोनों सेम है, और जीरो से हम यहाँ पे डिवाइड दे रहे हैं क्योंकि दोनों सेम है, मतलब हम यहाँ पे जीरो से इस इक्वेशन को डिवाइड दे रहे हैं। और यहाँ पे हमें मिलता है y प्लस वाई क्योंकि x का वैल्यू y से सेम है, इसे हम x की जगह y लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है 2y इज इक्वल टू वाई, वाई वाई हम कैंसिल करें तो हमें 2 इज इक्वल टू 1 मिलता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जो दो एक के समान है। इसका मतलब दो एक कैसे समान हो सकता है, दो लड्डू एक लड्डू के समान कैसे हो सकता है अगर सेम साइज का रहे? तो ये मैथमेटिक्स के लॉ के अगेंस्ट है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस वाई से हम जब भी डिवाइड किए तब हमें ऐसा अगेंस्ट द लॉ मिला। इसका मतलब अगर हम किसी इक्वेशन को जीरो से डिवाइड दें तो हमें कुछ ऐसा आंसर मिलता है जिसका कुछ अर्थ नहीं होता, जिसका हम कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए ये अनडिफाइंड होता है। Thank you.